हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपुंज विद यशके। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी पैडागोगी में पढ़ने के प्रकार क्या कौन कौन है वो बताऊंगी। तो फर्स्ट आप लोगों का स्टार्ट होता है स्कीमिंग से। तो स्कीमिंग के बारे में आप लोगों का मैं बताती हूँ कि जब पाठक पाठ सामग्री का केंद्रीय भाव का सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है और लेखक के उद्देश्य तथा लेखन की व्यवस्था को समझना चाहता है, तो यह प्रक्रिया क्या है, इसमें स्कीमिंग रीडिंग के अंतर्गत आती है। तो मैं आप लोगों को ऐसे समझाती हूँ कि जैसे कोई बच्चा है, मतलब जैसे हम ही लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, तो लाइब्रेरी में क्या करते हैं, बुक को देखते हैं, बुक का आगे का देखते हैं कि राइटर कौन है ऐसे। तो ये जो हम लोग उस बुक को देखते हैं उसको हम लोग स्कीमिंग के अंतर्गत रखेंगे। जैसे हम लोग कहीं नेक्स्ट है आप लोगों का स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या होता है कि स्कैनिंग जो होता है या पाठक किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी से पढ़कर पार कर जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोगों को कोई हॉस्पिटल का रिपोर्ट मिला या कुछ भी मिला, तो हम लोग उसमें डॉक्टर ने क्या क्या मेन इंस्ट्रक्शन दिया उसको पढ़ते हैं, तो वो हमारा स्कैनिंग के अंतर्गत आ जाता है। जैसे हम लोग किसी चीज़ के बारे में खोजते हैं, कोई समाचार पत्र है और किसी विशेष न्यूज़ के बारे में खोजते हैं, तो उस टाइम हम लोग स्कैनिंग करते हैं। तो यहाँ पे स्कैनिंग उसी को कहेंगे कि जहाँ हम लोग विशेष चीज़ों को देखने के लिए उसको किसी भी चीज़ को स्कैन करते हैं, तो वो हमारा स्कैनिंग के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का गहरी पढ़ाई। यहाँ पे क्या होता है कि गहन पठन में बारीकी से और समय लेकर पढ़ा जाता है। यहाँ पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना होगा। मतलब गहन पठन में होता है कि जो पाठक होता है वो हर चीज़ का अर्थ समझते चलता है। तो यहाँ पे गहन पठन ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हम लोगों का अतिशय अभ्यास। अतिशय अभ्यास होता है यह पठन धारा प्रवाह पर अधिक जोर देता है और सटीकता पर कम। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ बच्चा पढ़ते जा रहा है, मतलब वो सटीकता, मतलब क्या सही है, सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बस वो एकदम लैंग्वेज उसका जो धारा प्रवाह पढ़ता है उसको हम लोग अतिशय अभ्यास करते हैं। इसमें बस बच्चा पढ़ने का अभ्यास करते हैं जिससे कि उसकी सिर्फ भाषा सुधर सकती है। तो यहाँ पे मुख्य जो पढ़ने के प्रकार हैं वो मैंने स्कीमिंग, स्कैनिंग और गहन पठन और अतिशय अभ्यास आप लोगों को चारों बता दिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।